जोधपुर शहर के गांधी मैदान के सामने स्थित उद्योग वितरण निगम के कार्यालय में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कार्यालय में आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में तैनात कर्मचारी इधर उधर भागने लगे और बिना देरी के फायर ब्रिगेड और निजी पुलिस को सूचना दी गई। कार्यालय के सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि कमरे में सर्वर और फॉल सीलिंग में आग लग गई। हालांकि कमरे में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स बच गए हैं, लेकिन सर्वर और फॉल सीलिंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही कमरे से धुआं निकलता हुआ देखा गया तो सभी लोग कार्यालय के बाहर निकल गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिली कि ऑफिस में धुआं आ रहा है पीछे से, तो सप्लाई बंद करा कर फायर ब्रिगेड को पता नहीं होगा। अंदर जाकर देखा तो सर्वर सिस्टम को पूरा जल गया है और फॉल सीलिंग, ऑफिस की फॉल सीलिंग में काफ़ी आग लगी। दूसरे कोई डॉक्यूमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ है, फिर एक सर्वर और ये जले हैं कंप्यूटर सिस्टम। मेनली तो जो सर्वर रूम और फॉल सीलिंग का नुकसान हुआ है ऑफिस की बिल्डिंग में, इसके जो एक दरवाज़ा गिर गया, ये जल गया। फॉल सीलिंग प्लास्टिक वाली थी, पीवीसी की जो डिफेंसेस थी। मेरा नाम रमेश विष्णु, यहाँ सहायक अभियंता के पद पर। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही फायर ऑफिस से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर भेजा गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी प्रशांत सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांधी मैदान के सामने स्थित विद्युत वितरण निगम कार्यालय में आग लग गई है, जिससे तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं प्रशांत सिंह ने बताया कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी है, जिससे कि कंप्यूटर और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। 11:40 पर सूचना मिली कि गांधी मैदान के सामने बिजली घर में आग लगी है। तुरंत शास्त्री नगर से गाड़ी को रवाना किया। मौके पर आए जब देखा एक कमरे के अंदर आग लग रही है, उसमें कंप्यूटर और ये जले है सर। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है और प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। आग लगने की वजह से सर्वर और फॉल सीलिंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई है, लेकिन वहीं गनीमत रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। पंजाब के सीटीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।